Good evening, friends! Welcome to Anacademy Gate -E xc -E. This is Apur Prao, and you are watching the lectures of strength of materials. And today we are starting a new chapter. This is lecture number one of bending stresses in beams. Now, first of all, those of you who are live, please let me know if the audio and video is absolutely clear and fine. If there is any issue in lagging. ऑडियो और वीडियो क्लियर है नो इश्यू विद फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो इफ देर इज एनी इश्यू विथ द ऑडियो और वीडियो इट्स क्लियर इट्स परफेक्टली फाइन ओके चलिए 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 बेटा लेट मी नो वेन एवर देर इज एनी लैग एनी इशू बिकॉज वी हैव रिसेंटली चेंज द सेटिंग एक सेकेंड इज इट फाइन नाउ अब कोई इश्यू नहीं होना चाहिए यस ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेटमी टेल यू दैट गेट पी वाई क्यूज ऑफ एस एफ डी एंड बी एम डी द इवेंट विच वॉज सपोज टू बी हेल्ड यस्टरडे ड्यू टू सम रीजन यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द क्लास बिकॉज देर वॉज सम टेक्निकल इशू विद द यूट्यूब ओके कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिसकी वजह से द क्लासेज वॉर स्टॉप फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स

create the events of gate pyqs of torsion as well as gate pyqs of sfd bmd i'm so sorry for yesterday's class and there was no there was nothing i could do because there was some technical issue and i could not understand it but today we have completely changed the entire setting so now it is perfectly fine good evening good evening good evening welcome everyone welcome chale so beta if you are watching me for the first time let me tell you that these are the lectures of strength of materials. We are completing the entire syllabus of strength of material. A lot of students were asking me, is these lecture, are these lectures sufficient for GATE and ESE? Yes, we are covering the entire syllabus of GATE and ESE. And even if you are from mechanical or civil or XE or PI, you, you will be able to watch these lectures and all the concepts, all the problems will be covered in these lectures. Okay. ऑलरेडी कंप्लीटेड मोर देन 50% परसेंट ऑफ द सिलेबस हमने मोर देन 50% परसेंट सिलेबस जो है वो अभी तक कवर कर लिया है रेस्ट 50% परसेंट ऑफ द सिलेबस विल बी कवर्ड सून एंड ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम्स कैन वॉच दीज लेक्चर्स ओके चले नाउ मी इंट्रोड्यूस माइ सेल्फ क्विकली माई नेम इज अप्रूप राव ऑल इंडिया रैंक थ्री ट्वेंटी इन गेट मैकेनिकल इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट एम टेक फ्रॉम आई आई टी खड़गपुर एंड माई स्पेशलाइजेशन वॉज मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन Two plus years of experience working at Mahindra and Mahindra Automobile in the field of design of cars. I was part of some really cool projects like KUV, TUV. Then after two years, I decided to quit my job and I started teaching. So I have been teaching for more than six years now, and I teach subjects based on design: SOM, MD, EM, Tom, Vibration. You can watch all my YouTube lectures and download the PDF notes of those lectures. By 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 accessing this this one simple link tinyurl.com/approved10, was was a a revolution which was started by me and followed by a lot of people. जिसमें मैंने अपनी सारी YouTube की क्लासेस को एक जगह एक ड्राइव पे लाके रख दिया सो दैट ऑल द स्टूडेंट कैन एक्सेस दीज फ्री क्लासेस विदाउट सर्चिंग फॉर सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है आपको सारे लेक्चर्स सब्जेक्ट वाइज लेक्चर वाइज एक एक करके सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में मिल जाएगा यू विल एबल टू डाउनलोड द पी डी एफ नोट ओके सो शेयर दिस लिंक विद ऑल योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड लेट एवरी वन नो दैट देर आर फ्री लेक्चर्स ऑफ ऑलजेक्ट ऑफ डिजाइन अवेलेबल है ओके थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अन अकेडमी आई एम अनडमी प्लस एजुकेटर दिस इज माई अन अकेडमी प्रोफाइल नेम अप्रूव जस्ट गो टू योर अनूव एंडलैडमी यू नीड अनिंग एप एंड इन ऑर्डर टू अनलॉक ऑल द फ्री कंटेंट ऑफ द एप यू हैव टू यूज दिस कोड अप्रूव टेन अगर आप अन अकेडमी ऐप का फ्री कंटेंट एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको इस कोड को यूज करके उन कंटेंट को अनलॉक करना पड़ेगा एंड यू विल अनलॉक दिस वेरी स्पेशल थिंग अन अकेडमी कॉम्बैट लेटमीडमी कॉम्बैट इट इज इंडिया कॉम्पिटिशन फॉर गेट इट्स लाइक अ क्विज अम्पिटिशन और यू कैन कॉल इट अ टेस्ट इट टेक्स प्लेस एवरी संडे सो द नेक्स्ट वन विल बी विन ट्वेंटी ए एम ओके एंड इट्स अ वन आर टेस्ट वे आर न्यू क्वेश्चन संडे दे विल बी curated and designed by the top educators of unacademy so you are going to learn some really new concepts and some new questions so it's a very good practice session for you and you can also win exciting prizes so beta not just for winning but for learning take part in every unacademy combat the registration is completely free okay you can follow my telegram channel by ओपनिंग योर टेलीग्राम एप एंड सर्चिंग अप्रूव टेन और जस्ट बाय स्कैनिंग दिस क्यू आर कोड आई पुट द लिंक्स ऑफ ऑल माई क्लासेस ऑन डेली बेसिस इन दिस टेलीग्राम चैनल मैं अपने क्लासेस की लिंक डेली बेसिस पे इस टेलीग्राम चैनल पर भेजता रहता हूं सो जस्ट फॉलो दिस चैनल एंड इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग इन टू अ बैच कोर्स अ स्ट्रक्चर कोर्स फॉर गेट एंड डी ए सी वेन यू कैन ज्वाइन एन अकेडमी प्लस इंडियाज लार्जेस्ट

आई विल गाइड यू थ्रू आउट योर सब्सक्रिप्शन यू कैन ऑल्सो फॉलो माई क्लासेज ऑन एन अकेडमी प्लस माई बैच ऑन एन अकेडमी प्लस आप मेरी बैच जाइए आप किसी और की बैच जाइए आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा ओके यू कैन पे दिस पी इन ई एम आई ऑल्सो विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट आप बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के इसको ई एम आई में भर सकते हैं एंड यू कैन सी हाउ अफोर्डेबल द प्राइजेज आर पर डे कॉस्ट ऑफ दिस प्लान विल बी फिफ्टी फोर रुपीज

सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू हु आर लाइव राइट नाउ वेलकम निशांत वेलकम आदित्य वेलकम राहुल इग्नोर द स्पैमर्स इग्नोर द स्पैमर्स वेलकम संचिता भूषण वेलकम शिवा वेलकम वेलकम तुलसी अशरफ विश्वा उद्धव आदित्य रविना शिवा ध्रुव कृष्णन आदित्य गिरिराज सूरज अंशु मनीषा मीत कुंदन राजेंद्र उद्धव प्रिया वेलकम सुजान वेलकम कार्तिक वेलकम प्रज्वल वेलकम एवरीवन वेलकम गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलिए तो बेटा जल्दी से हिट द लाइक बटन एंड जल्दी से शेयर द लिंक विद योर फ्रेंड्स बिकॉज़ दिस इज अ न्यू चैप्टर एंड टुडे लेट मी टेल यू वी आर गोइंग टू

So, this is going to be a really important class for you. Okay. to Tobita, we were studying about beams which are structural members subjected to transverse loads, right? Now, due to this transfer uh, and I told you that statically indeterminate beams we are going to cover after we will study the chapter of deflection of beams. So, right now we will only focus on these beams, right? Now I told you that due to this transfer force on any section.

There will be a direct shear stress, and due to this bending moment, there will be a bending stress. So on the cross section, yane is section me, at any point there are two types of stresses that are developed: shear stresses due to shear force and bending stresses due to bending moment. So, beta, we have to calculate both these two stresses. हमें ये दोनों स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने हैं ओके सो वी विल कंसिडर देम वन बाय वन सेपरेटली फर्स्ट वी विल कंसिडर द बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स ड्यू टू द बेंडिंग मोमेंट एंड देन वी विल कैलकुलेट द शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स ड्यू टू शिवर फोर्स इफ यू आर थिंकिंग वाई वी आर कंसिडरिंग देम सेपरेटली सो बेटा दिस इज वॉट वी डू इन एंटायर स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल वेन एवर देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स We never consider them together. We always consider them separate. separately. We calculate the stresses separately, right? Now, once you calculate both the stresses, then what you need to do? So, with a combination of stresses, right now we are not studying, okay? Combination of stresses we will study in the chapter of complex stresses, okay? So, there I will tell you at any point if there is a bending stress as well as a shear stress, means two stresses are there. वट इज गोइंग टू हैपन ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन राइट ना वी ओनली नीड टू अंडरस्टैंड सेपरेटली हाउ टू कैल्कुलेट बेंडिंग स्ट्रेस एंड हाउ टू कैलकुलेट शेयर स्ट्रेस तो आई होप आप लोगों को यह चीज क्लियर हो गई है कि एक ही सेक्शन पे ट्रांसफर्स लोड की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस भी आएगा शेयर स्ट्रेस भी आएगा हमें पहले दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट करना सीखना है फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस के चैप्टर में हम देखेंगे कि दोनों को एक साथ जब हम कंसिडर करते हैं तो क्या होता है वॉट हैपन्स ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू स्ट्रेसेस सो इफ इट इज क्लियर टू यू प्लीज लेट मी नो इन द लाइव चैट लाइव चैट में बेटा सबसे पहले तो हार्ट्स और थम्स दे दीजिए उससे क्या होता है एक अटेंडेंस भी आपकी हो जाती है और मुझे समझ में आ जाता है कि आप लोग सब मुझे फॉलो कर रहे हैं ओके सो प्लीज गिव मी हार्ट्स एंड प्लीज गिव मी थम्स चलिए अब बेटा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द बेंडिंग स्ट्रेस वी नीड टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ बेंडिंग यस हमें पहले so तो बेंडिंग इक्वेशन डिराइव करनी पड़ेगी सो बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिराइव द बेंडिंग इक्वेशन एंड लेट मी टेल यू वी आर गोइंग टू कवर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स चलिए वेरी गुड वेरी गुड रोशन प्रियंका कुंदन पंकज राहुल ध्रुव अंशु मणिमरन तुलसी प्रज्वल किंग जांगोन विकास रवि सैम अंजलि रम्या भूषण सौरव विपुल गोबाला कृष्णा विकास जितेंद्र मनीष वेलकम हेमंत चलिए हिंदुजा यस वेरी गुड एवरी वन इज क्लियर अबाउट थिंग्स चलिए तो स्टार्ट करेंगे ना बेटा इन ऑर्डर टू डिराइव द बेंडिंग इक्वेशन वी हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड द डेरिवेशन ओके इससे पहले कि मैं डेरिवेशन चालू करूं आपको ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे ओके वेरी गुड राहुल वेरी गुड अलाउद्दीन चलिए वेरी गुड निहाल चलिए कार्तिक अंकुर ओके okay? तो बेटा स्टार्ट करते हैं So the first concept that you need to understand is pure bending okay now this is a very good concept and let me tell you lots of questions from pure bending what is pure bending in fact in interviews also they sometimes ask you this question Mere interview mein ek bar gaya tha, mujhe yaad hai, tha, what is pure bending explain pure bending okay so let's understand what is pure bending okay Bita, by this word itself it is clear pure bending means there is only bending. प्योर बेंडिंग का मतलब क्या है प्योर बेंडिंग का मतलब है देर इज ओनली बेंडिंग देर इज नो शियर ठीक है अब अंडरस्टैंड वट इज दिस प्योर बेंडिंग अ बीम इज अंडर प्योर बेंडिंग वेन इट इज सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट बेंडिंग मोमेंट एक बीम जो है वो प्योर बेंडिंग में तब होता है जब इसके ऊपर कॉन्स्टेंट बेंडिंग मोमेंट लग रहा होता है ओके प्योर बेंडिंग ऑकर्स वेन शियर फोर्स इज जीरो प्योर बेंडिंग कब होती है जब शियर फोर्स क्या होता है जीरो होता है ओके ओके अंडरस्टैंड शियर शियर फोर्स फोर्स इज इज जीरो जीरो इन इन प्योर प्योर इफ बेंडिंग तो बेटा प्योर बेंडिंग का मतलब सिर्फ बेंडिंग हो रही है कोई शियर नहीं हो रहा है यानी शियर फोर्स इज जीरो ना बेटा वी ऑल नो दैट डी एम बाई डी एक्स डी एम बाई डी एक्स मीन्स स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट करफ इज इक्वल टू शियर शियर फोर्स फोर्स सो इफ इज जीरो इफ शियर फोर्स इज जीरो व्हाट इट मीन अगर शियर फोर्स जीरो है तो इसका मतलब क्या है अगर शियर फोर्स जीरो है इसका मतलब है देर इज कॉन्स्टेंट बेंडिंग मोमेंट राइट डीएम बाई डीएक्स इज जीरो मीन वॉट स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज जीरो सो कॉन्स्टेंट बेंडिंग मोमेंट तो मेरे भाई प्योर बेंडिंग की सिचुएशन कब बनेगी वेन आर यू गोइंग टू गेट प्योर बेंडिंग वेन देर इज कॉन्स्टेंट बेंडिंग मोमेंट देन ओनली शिवर फोर्स विल बी जीरो फॉर एग्जाम्पल लेटमी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर बेंडिंग इफ आई एम अप्लाइंग अंडिंग मोवेंट एम हियर सॉरी अ कपल एम हियर एंड अ कपल एम हियर देन यू विल सी दैट द शर फोर्स विल बी जीरो शिया फोर्स जो है वो तो जीरो हो जाएगा एंड द बेंडिंग मोमेंट विल बी कॉन्स्टेंट ठीक है शिया फोर्स जो है वो जीरो होगा शिया फोर्स विल बी जीरो एंड बेंडिंग मोमेंट विल बी कॉन्स्टेंट बेंडिंग मोमेंट जो है वो कॉन्स्टेंट होगा सो अंडरस्टैंड वट डज दिस मीन प्योर बेंडिंग का मतलब क्या होता है प्योर बेंडिंग मीन्स शिया फोर्स इज जीरो ओनली बेंडिंग मोमेंट and that bending moment is going to be constant means at every section is section pe is section pe is section pe is section, section pe her section pe bending moment will be same now you need to understand why i am teaching you pure bending pure bending ka bending equation se kya lena dena hai so you are going to understand this concept why pure bending is studied why pure bending is considered

सिंपल राइट सो दिस इज वन ऑफ दैट अजम्प्शन फॉर सिंप्लीफिकेशन एक्चुअल में यू नेवर गेट दिस प्योर बेंडिंग एक्चुअल में नहीं मिलता है ओके ना बेटा अंडरस्टैंड वाई वी आर स्टडिंग प्योर बेंडिंग ओके

यूलर बर्नॉलीज बीम थ्योरी हमारे सिलेबस में सिर्फ यूलर बर्नॉलीज बीम थ्योरी है सो वी विल स्टडी ओनली दिस थ्योरी ओके ना इन ऑर्डर टू डिराइव द बेंडिंग इक्वेशन थ्रू यूलर बर्नॉलीज बीम थ्योरी देर आर सर्टन अजम्पन्स एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज अजम्पन्स ईच एंड एवरी अजम्पन बिकॉज द अजम्पन्स ऑफ यूलर बर्नॉली बीम थ्योरी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑल्सोके एक तो समझने के लिए ये जरूरी है ही दूसरा एग्जाम में यूलर बर्नॉली बीम थ्योरी के एजम्पन पे बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओके okay? बाकी डेरिवेशन के एजम्पन पे इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते बट यूलर बर्नॉलीज बीम थ्योरी वट एवर वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम हियर दैट

सेकेंड पॉइंट यंग्स मॉड्यूल इन टेंशन एंड कंप्रेशन इज सेम ना यू माइट बी थिंकिंग अरे इसको अज्यूम करने की क्या जरूरत है बिटा देर आर सर्टन मटीरियल फॉर विच यंगड्यूलर्स इज डिफरेंट इन टेंशन एंड डिफरेंट इन कंप्रेशन बट वी विल नॉट कंसिडर दैट पर्टिकुलर मटीरियल इन आर डेरिवेशन ओके सो वी आर अज्यूमिंग दैट दंग्स मॉड्यूल इज सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन ना वाई वी आर अज्यूमिंग इट

टोल्ड यू वी कैन नॉट फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस विदाउट फाइंडिंग हाउ द इंटरनल फोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड राइट इंटरनल फोर्स किसी भी प्लेन पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं या लिनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं या पैराबोलिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वी कॉन्ट फाइंड दैट विदाउट फाइंडिंग सॉरी वी कांट फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस विदाउट फाइंडिंग दिस राइट देन

नेक्स्ट पॉइंट इज बीम इज अंडर प्योर बेंडिंग टू टेल यू हाउ इट इज रिलेटेड टू यूलर बर्नॉलीस बीम थ्योरी ये पॉइंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ओके तो आगे के दो तीन पॉइंट जो है आगे का अगला पॉइंट जो है वो भी इस पॉइंट से रिलेटेड है दीज टू पॉइंट आर रिलेटेड टू अदर सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दम टूगेदर ओके the beam is under pure bending this is the first assumption which you need to know and all the transverse sections remain plane after bending this is the second assumption mere bhai, pure bending i have already told you what is pure bending let's understand the meaning of this okay all the transverse sections remain plane after bending what does it mean understand this is our beam लेट्स सिडर एनी वन सेक्शन कोई भी एक सेक्शन कंसिडर कर लेते हैं लेट्स कंसिडर एनी वन सेक्शन ऑफ दिस बीम लेट्स कंसिडर दिस सेक्शन वट इज दिस सेक्शन दिस सेक्शन इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ये ट्रांसवर्स सेक्शन है ओके यू कैन कॉल इट अ क्रॉस सेक्शन यू कैन कॉल इट अ ट्रांसवर्स सेक्शन ओके नाउ वट इज आर अजम्शन ऑल द ट्रांसवर्स सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग सो दिस इज अ प्लेन ये एक प्लेन है न कंसिडर एनी थ्री पॉइंट ऑन दिस प्लेन ए बी सी सो इफ इट इज अ प्लेन ऑल दी पॉइंट ऑन द सेम लाइन राइट अगर यह ऐसा होता डिस्टॉटेड होता तो फिर पॉइंट जो है वो एक लाइन में नहीं होते बट राइट नाउ इट इज अ प्लेन सो वी आर गेटिंग ऑल थ्री पॉइंट ऑन द सेम लाइन नाउ द अजम्पन इज दैट इवन आफ्टर बेंडिंग जब ये बेंड होके ऐसा हो जाएगा then also this section will remain plane it will not be distorted okay so understand beta initially it was like this right initially it was like this a plane now i am saying that after bending also it will remain plane matlab this section will become something like this so you can see that initially this was a this was b this was c

इसका मतलब क्या है क्यों ये डेरिवेशन यू ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है लेट मी टेल यू बेटा दिस पॉइंट दिस टू पॉइंट आर द पिलर्स ऑफ यूलर बर्नॉलीज थ्योरी पूरी यूलर बर्नौली बीम थ्योरी इन्हीं दो पॉइंट्स पे टिकी हुई है बीम इज अंडर प्योर बेंडिंग एंड ऑल द ट्रांसफर सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग ओके तो आपको मैंने प्योर बेंडिंग को समझा दिया क्या चीज है अब इसका मीनिंग क्या है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस व्हाई वी आर डूइंग दिस व्हाई वी आर अज्यूमिंग दिस

अबाउट दैट डिफॉर्मेशन हमें उस डिफॉर्मेशन के पीछे एक अजम्पन लेना पड़ता है कि ड्यू टू दिस वी आर गेटिंग दिस डिफॉर्मेशन सो वी अज्यूम्ड दैट द प्लेन विल रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग सो नाउ हाउ दिस इज गेटिंग डिफॉर्म्ड अंडरस्टैंड पॉइंट ए मूव्ड टू ए डैश पॉइंट सी मूव्ड टू सी डैश पॉइंट बी रिमेन्ड देयर Now, all the points on this section, how they are moving, how they are getting deformed? This point moved to here, this point moved to here, this point remained there, this point moved to here, this point moved to here. So, what is this? What is this? This is the distribution of deformation. और कैन आई से कैन आई से दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेन क्या मैं बोल सकता हूं कि ये स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है कैन आई से दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेन यस सो हाउ द स्ट्रेन इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल स्ट्रेन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चेंज इन लेंथ दिस इज नॉर्मल स्ट्रेन सो हाउ द नॉर्मल स्ट्रेन इज डिस्ट्रीब्यूटेड

Assumption की वजह से ही इस assumption की वजह से ही स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लीनियर होता है विदाउट दिस अजम्पन वी विल नॉट बी एबल टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस आप समझ रहे हैं आपको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर क्यों मिलता है बिकॉज ऑफ दिस अजम्पन बिकॉज ऑफ दिस अजम्पन ओके तो ये चीज याद रखिएगा इन यूलर इन्यूलर बीम थ्योरी गेट लिनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस लिनियर होता है ना क्यों होता है कभी सोचा है इट इज बिकॉज ऑफ दिस अजम्पन ना इफ यू आर थिंकिंग सर इफ वी डोंट अज्यूम दिसन वॉट इज गोइंग टू हैपन अगर हम ये अज्यूम नहीं करेंगे तो क्या होगा इफ यू डोंट अज्यूम दिस देन दिस इज गोइंग टू हैपन अगर बीम जो है वो डिफॉर्म हो जाता है एंड इट बिकम्स डिस्टॉटेड

क्या आप स्ट्रेन की इक्वेशन डिराइव कर पाओगे यहां स्ट्रेन का इक्वेशन डिराइव करना आसान है कैसे आसान है आई विल टेल यू ओके हाउ दिस इज इजी आई विल टेल यू ड्यूरिंग द डेरिवेशन बट राइट नाउ अंडरस्टैंड ड्यू टू दिस लाइन स्ट्रेट लाइन इट इज इजी टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन हियर बट इफ इट इज अ कर्व देन बेटा यू विल नॉट बी एबल टू डिराइव तब आप डिराइव दे नहीं कर पाओगे इस कर्व की इक्वेशन क्या है वेदर इट इज पैराबोलिक क्यूबिक कैसे ये कर्व वेरी कर रहा है आप नहीं निकाल पाओगे

तो आपको ऐसा डिस्टॉर्टेड कर मिलेगा नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ ऐसा क्यों होता है यह चीज मैं आपको समझा देता हूं ओके सो लेट्स से वी हैव अ कैंटीलीवर बीम लेट्स से वी हैव अ कैंटीलीवर बीम हमारे पास एक कैंटीलीवर बीम है ठीक है नाउ लेट्स से दैट आई एम अप्लाइंग अ मोमेंट लाइक दिस लेट्स से आई एम अप्लाइंग अ मोमेंट लाइक दिस अच्छा सॉरी फोर्स लगा देता हूं मैं यहां पे मोमेंट वाला तो मैं समझा चुका हूं लेट्स से आई एम अप्लाइंग अ फोर्स लाइक दिस ओके विल इट बी इन प्योर बेंडिंग क्या यहां प्योर बेंडिंग होगी नहीं होगी बिकॉज एट दिस सेक्शन बेंडिंग मोमेंट विल बी डिफरेंट एट दिस सेक्शन बेंडिंग मोमेंट विल बी डिफरेंट एट दिस सेक्शन बेंडिंग मोमेंट विल बी डिफरेंट दिस इज नॉट प्योर बेंडिंग देयर विल बी शियर फोर्स एज वेल एज बेंडिंग मोमेंट ओके सो व्हाट हैपेंस ड्यू टू द शर फोर्स व्हाई डू वी नेग्लेक्ट शियर फोर्स

देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू दिस एलिमेंट मैं थोड़ा इसको बड़ा करके दिखा रहा हूं ड्यू टू दिस फोर्स देर विल बी शियर स्ट्रेस ऑन दिस प्लेन ठीक है इसके ऊपर एक शियर स्ट्रेस आएगा इक्वल एंड ऑपोजिट शियर स्ट्रेस ऑन दिस प्लेन राइट नाउ अंडरस्टैंड ड्यू टू दिस टू शियर स्ट्रेसेस देर विल बी कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस ऑन दिस प्लेन एंड दिस प्लेन हा कि ना तो ये दोनों शियर स्ट्रेसेस क्यों डेवलप हो रहे हैं ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस राइट अदरवाइज इट विल नॉट क्लियर है ये चीज तो आप लोगों को क्लियर है बेटा, ना इज दिस है इन दोनों की वजह से क्या होगा ये चीज समझते हैं सो लेट्स कंसिडर डिफरेंट बीम इस बीम के अलग अलग में लेयर्स कंसिडर कर लेता हूं लेट्स कंसिडर डिफरेंट बीम ओके इसको बहुत सारे लेयर्स में बांट लेते हैं लोंगिट्यूडिनल लेयर्स सो अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन ड्यू टू दिस शियर फोर्स ड्यू टू दिस शियर फोर्स ड्यू टू दिस शियर स्ट्रेसेस ऑल दीस लेयर्स आर गोइंग टू मूव राइट ये टॉप लेयर इसके नीचे का लेयर इसके नीचे का लेयर इसके नीचे का लेयर इसके नीचे का लेयर दे आर गोइंग टू मूव लाइक दिस ऐसा होगा ऐसा मूवमेंट होगा राइट इट इज गोइंग टू मूव लाइक दिस मतलब एक आगे जाएगा एक पीछे आएगा ऐसे आगे पीछे आगे पीछे होंगे ड्यू टू दिस वॉट इज गोइंग टू हैपन टू द बीम लेट मी ड्रॉ दैट फॉर यू अगर ऐसा हुआ तो क्या नजारा देखने को मिलेगा वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं सो ड्यू टू दिस मूवमेंट वॉट इज गोइंग टू हैपन इफ देर वॉज इफ देर वॉज अ सेक्शन अगर मैं कोई एक सेक्शन कंसिडर करूं

ड्यू टू शियर ये डिस्टॉर्शन हमें क्यों देखने को मिल रहा है वी आर दिस डिस्टॉर्शन डिस्टॉर्शन ये हमें देखने को मिल रहा है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दीज मूवमेंट हो रहा है ना उन मूवमेंट की वजह से ये डिस्टॉर्शन देखने को मिल रहा है सो नाउ यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड वाई प्योर बेंडिंग अजम्पन इज इंपॉर्टेंट विदाउट प्योर बेंडिंग वी कैन नेवर गेट दिस प्योर बेंडिंग अज्यूम नहीं करोगे तो आपको ये चीज नहीं मिलेगी द प्लेन विल नेवर रिमेन प्लेन इट विल बिकम डिस्टोर्टेड लाइक दिस ओके तो यह डिस्टोर्शन किसकी वजह से होता है मेरे भाई दिस इज ड्यू टू सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस इन दोनों के बीच का रिलेशन समझ में आया इन दोनों के बीच का रिलेशन समझ में आया दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्योर बेंडिंग ये सेकंड पॉइंट जो है बीम इज इनिशियली सॉरी सॉरी ये दोनों बोल रहा हूं ये दोनों ये दोनों सो दिस दिस इज नॉट पॉसिबल दिस सेकंड थिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट दिस फर्स्ट थिंग प्योर बेंडिंग अज्यूम किए बगैर ये चीज आपको कभी नहीं मिल सकती सो दैट इज वाई अज्यूमिंग प्योर बेंडिंग इज सो इंपॉर्टेंट आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू राइट आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू दैट विदाउट प्योर बेंडिंग विदाउट अज्यूमिंग प्योर बेंडिंग वी कैन नेवर गेट दिस विदाउट वी कैन नेवर गेट स्ट्रेट लाइन वी विल ऑलवेज गेट दिस डिस्टोरशन राइट So, do you understand why pure bending is so important? Now we understand. Although we will assume we are assuming pure bending for derivation. Derivation ko simplify karnegili, we are assuming pure bending, right? For simplification, we are assuming pure bending. But that doesn't mean that euler bernoulli equation is only valid for pure bending. It is valid for all the load cases. Matlab, whatever derivation we will do. It will be applicable for this case as well as this case. For this case also, that equation will be valid. Okay, this case may be that equation valid. Okay, practically we have observed that the Euler Bernoulli's equation, whatever stresses we are getting from there, there is very small error practically. If you are applying that same equation for this beam also, there will be negligible error. So that's why.

it will be valid only if the members are rigid if the members are not rigid you cannot apply the concept yes you can apply the concept even if the members are rigid or not rigid but we have to assume the members are rigid that is just an assumption so here also this is just an assumption that beam is under pure bending but even if it is not in pure bending the euler bernoulli equation is still applicable i hope it is clear to all of you एक अजम्पन है बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसी सिचुएशन के लिए वैलिड है ये हर सिचुएशन में आप लगा सकते हो एरर जो है वो निग्लेजिबल आता है लेकिन डेरिवेशन के लिए ये अज्यूम करना जरूरी है आई होप इट इज क्लियर सो बेटा दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके ये जो पॉइंट है ना ये जो कॉन्सेप्ट है ना दिस कॉन्सेप्ट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज यू गेट डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस अजम्पन बहुत सारे एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से ये अजम्पन जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है वट डज दिस मीन ऑल द ट्रांसफर्स सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग सो यू नाउ अंडरस्टैंड द एंटायर स्टोरी बिहाइंड प्योर बेंडिंग एंड ट्रांसफर्स सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग यस आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलिए नाव बेटा द नेक्स्ट अजम्पन इज द बीम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड इट बेंड इन टू अ सर्कुलर आर्क ठीक है बीम जो है वो इनिशियली स्ट्रेट है और यह सर्कुलर आर्क में बेंड होता है मतलब कि जब यह बेंड हुआ दिस 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 वट इज दिस कर्व ऑल दिस कर्व आर सर्कुलर आपका अजम्पन है कि जब बीम बेंड होता है तो यह सर्कुलर आर्क में बेंड होता है ओके नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ दिस अजम्पन इज इंपॉर्टेंट इन द डेरिवेशन लेटर ठीक है मैं आपको बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट अजम्पन है डेरिवेशन में ठीक है नेक्स्ट वन क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज सिमेट्रिक अबाउट द प्लेन ऑफ लोडिंग नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा ये जो है ये जो अजम्पन है ना दिस इज रिलेटेड टू शेयर सेंटर यू माइट हैर्ड दैट शेयर सेंटर इज अ कॉन्सेप्ट विच वॉज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड लास्ट ईयर ओनली It was added in the syllabus of gate last year only in gate 2024 gate 2021 only it was added. So now you have an extra topic shear center and this last assumption is related to that shear center topic okay So understand the meaning of this okay first of all you need to understand cross section of the beam is symmetric about the plane of loading. So what is the meaning of plane of loading? plane of loading catches it. So understand beta this diagram you can see that this is the beam this is the beam this is the front face this is the front face and this is the cross section okay now whenever we draw this diagram diagram whenever we draw this diagram let's say this is a simply supported beam so there is one force here one force here one force here so have you ever thought exactly at which point these forces are applied मतलब कि बीम जो है दैट इज अ सरफेस राइट यू आर लुकिंग एट द बीम फ्रॉम दिस बट इफ यू लुक एट द बीम फ्रॉम द टॉप देर इज अ सरफेस सो इफ आई से दैट दिस इज पॉइंट ए अगर मैं बोलता हूं कि ये पॉइंट ए है यह पॉइंट बी है यह पॉइंट सी है सो वेयर एग्जैक्टली इज दैट पॉइंट ए इज दैट पॉइंट ए हियर 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 कहां पर है सामने से तो आपको दिख रहा है कि यहां लोड लग रहा है इस तरीके से बट ये पॉइंट है किधर है सरफेस पे किधर है इफ इट इज हियर 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 वेयर एग्जैक्टली इज इट एक्टिंग सो बेटा अंडरस्टैंड वी ऑलवेज अज्यूम दैट इट इज एक्टिंग एग्जैक्टली एट द सेंटर मतलब ये जो पॉइंट है ऑल दीज पॉइंट्स दे आर एट द सेंटर सो द लोड इज एक्टिंग एट द सेंटर ठीक है ये सेंटर वाली लाइन देख रहे हो लोड इज एक्टिंग एट द सेंटर ओके सो बेटा इफ द लोड इज एक्टिंग एट द सेंटर देन द बेंडिंग वि ऑल्सो हैपन इन दिस प्लेन ओनली जो बीम बेंड होगा वो भी इसी प्लेन में होगा राइट सो दिस इज द प्लेन ऑफ लोडिंग ये क्या है मेरे भाई ये है प्लेन ऑफ लोडिंग ठीक है नाउ लुक एट दिस लाइन बेटा इस लाइन पर देखिए लुक एट दिस लाइन लुक एट दिस लाइन अगर प्लेन ऑफ लोडिंग से इफ आई इफ आई कट द क्रॉस सेक्शन फ्रॉम द प्लेन ऑफ लोडिंग कैन आई से दिस इज वाई एक्सेस क्या मैं बोल सकता हूं ये वाई एक्सेस है दिस इज दैट वाई एक्सेस दिस इज दैट वाई एक्सेस राइट ये क्रॉस सेक्शन को दिस इज माई क्रॉस सेक्शन ओके दिस इज माई क्रॉस सेक्शन साइड से जो देखने को मिल रहा है तो ये क्रॉस सेक्शन को प्लेन ऑफ लोडिंग कहां से कट कर रहा है इट इज कटिंग द प्लेन ऑफ लोडिंग फ्रॉम वाई एक्सेस राइट सो बेटा दिस वाई एक्सेस वी आर अज्यूमिंग दैट ऑल द क्रॉस सेक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट दिस वाई एक्सेस सिमेट्रिक अबाउट द प्लेन ऑफ लोडिंग मीन्स सिमेट्रिक अबाउट दिस वाई एक्सेस सो यू कैन नोटिस यहां आपको एक बहुत बेहतरीन चीज नोटिस करने को मिलेगी

सारी चीजें समझ में आ रही हैं इज इट क्लियर यस चलिए तो बेटा ऑल द सेक्शन दैट वी आर कंसिडरिंग ऑल द सेक्शन दैट वी आर कंसिडरिंग आर सिमेट्रिक अबाउट द प्लेन ऑफ लोडिंग ठीक है ये चारों मैंने जो एग्जाम्पल में बताया दे आर ऑल सिमेट्रिक अबाउट द प्लेन ऑफ लोडिंग ओके नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल लेयर अब न्यूट्रल लेयर क्या चीज है अलॉट ऑफ पीपल आर वर सेइंग न्यूट्रल एक्स न्यूट्रल लेयर सो अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यूट्रल लेयर एंड व्हाट इज न्यूट्रल एक्स बिफोर द डेरिवेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द डेरिवेशन आपको डेरिवेशन ही नहीं समझ में आएगा जबकि आपको ये नहीं पता है वट इज न्यूट्रल लेयर एंड वट इज न्यूट्रल एक्सेस ओके सो अंडरस्टैंड वट इज न्यूट्रल लेयर सो न्यूट्रल लेयर इज अनडिफॉर्म्ड लॉन्गिट्यूडिनल लेयर वट इज अनडिफॉर्म्ड लॉन्गिट्यूडिनल लेयर सो अंडरस्टैंड बेटा

ंड्रेड एम एम ये भी हंड्रेड एम एम ये भी हंड्रेड एम एम ऑल दीज लेड एम एम हंड्रेड एम एम यस नाउ अंडरस्टैंड लेंथ ऑफ दिस लेयर दिसर दिस लेयर दिस लेयर ऑल देंथ विल चेंज अकॉर्डिंग टू माई एग्जाम्पल लेंथ ऑफ द टॉप लेयर इज गोइंग टू रिड्यूस लेंथ ऑफ द बॉटम लेयर इज गोइंग टू इंक्रीज मतलब कुछ ऐसा होगा सो दिस लेयर लेट्स से बिकम्स 90 एम एम एंड दिस लेयर बिकम्स 110 एंड mm. टेन मान लो ऊपर दस एमएम का रिडक्शन हो रहा है नीचे दस एमएम mm का एक्सपांशन हो रहा है सो वी हैव 90 ईयर एंड 110 एंड टेन ईयर ओके नाउ अंडरस्टैंड इफ आई गो फ्रॉम नाइनटी टू हंड्रेड

नाउ वाई दिस इज इंपॉर्टेंट अब ये न्यूट्रल लेयर का क्या चक्कर है सो so, अंडरस्टैंड बेटा न्यूट्रल लेयर इंपॉर्टेंट है बिकॉज द डिफॉर्मेशन ऑफ अदर लेयर्स डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम दिस लेयर बाकी लेयर्स जो हैं उनका कितना डिफॉर्मेशन है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वह इस लेर से कितना दूर है सबसे ज्यादा डिफॉर्मेशन कहां हो रहा है वेयर आर यू गेटिंग मैक्सिमम डिफॉर्मेशन यू आर गेटिंग मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हियर एंड हियर माइनस टेन एंड प्लस टेन मैक्सिम डिफॉर्मेशन यू आर गेटिंग हियर हियर एंड बिकॉज दे आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल लेयर वो न्यूट्रल लेयर से सबसे ज्यादा दूर थे इफ अ लेयर इज क्लोजर टू न्यूट्रल लेयर द डिफॉर्मेशन विल बी लेस एंड इफ अ लेयर इज फार फ्रॉम न्यूट्रल लेयर द डिफॉर्मेशन विल बी मोर So, beta, that's why neutral layer is important. Okay. Now, the next concept is neutral axis. Now, there is a difference between neutral layer and neutral axis. Layer bolnega matlab, it is a surface. Neutral layer is a surface. And excess bolnega matlab, it is a line. Okay. So, understand the difference. Neutral layer is a surface. Neutral axis is a line. So, now understand what is neutral axis. सो न्यूट्रल एक्सेस इज द एक्सेस अबाउट विच द बीम बेंड्स ये वो एक्सेस है जिसके अबाउट बेंडिंग हो रही है मेरे भाई मैं जब बोलता हूं दैट दिस इज द बेंडिंग मोमेंट इट इज एक्टिंग अबाउट सम ना ये किसी एक्सेस के अबाउट लग रहा होगा ठीक है यूजुअली इट इज द जेड अब ये जेड एक्सेस कौन सा जेड है कहां से निकल रहा है दैट जेड एक्सेस इज द न्यूट्रल एक्सेस ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज द जेड न्यूट्रल एक्सेस नाउ हाउ डू वी फाइंड दिस न्यूट्रल एक्सेस इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ न्यूट्रल लेयर विथ द क्रॉस सेक्शन न्यूट्रल लेयर क्रॉस सेक्शन को जहां कट कर रहा है ना दैट लाइन इज द न्यूट्रल एक्सेस अंडरस्टैंड दिस इज आर न्यूट्रल लेयर राइट दिस इज आर न्यूट्रल लेयर एंड दिस इज आर क्रॉस सेक्शन ये आपका क्रॉस सेक्शन है आप देख सकते हैं यहां पर दिस इज द न्यूट्रल लेर एंड दिस इज माई क्रॉस सेक्शन ठीक है यह मेरा क्रॉस सेक्शन है सो इफ आई कट माई क्रॉस सेक्शन फ्रॉम न्यूट्रल लेयर अगर मान लो ये मेरा बीम है इफ आई कट दिस फ्री बीम फ्रॉम न्यूट्रल लेयर देन द क्रॉस सेक्शन ट थ्रू अ लाइन है ना क्रॉस सेक्शन जो है वो एक लाइन पे कट होगा दैट लाइन इज दाइन इज द न्यूट्रल एक्सेस ये वाली जो लाइन बन रही है ना जिस लाइन पे कट हो रहा है दिस लाइन इज न्यूट्रल एक्सेस डू यू अंडरस्टैंड वट इज न्यूट्रल एक्सेस न्यूट्रल एक्सेस क्या है तो बेटा न्यूट्रल लेयर जो है क्रॉस सेक्शन को जिस लाइन पे कट करता है दैट इज न्यूट्रल एक्सिस एंड व्हाई इट इज न्यूट्रल एक्सिस ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अबाउट तो ये बेंडिंग बेंडिंग मोमेंट मोमेंट लग रहा है ना द इज एक्टिंग अबाउट दिस एक्सिस ओनली ओके इसी एक्सिस के अबाउट तो ये मोमेंट हम अप्लाई कर रहे हैं आई होप इट इज क्लियर आई होप इट इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू ओके तो मेरे भाई न्यूट्रल लेयर न्यूट्रल ऑल दीज ऑल्प दे आर क्लियर सो नाउ

न नॉट से दैट न्यूट्रल एक्सेस पासिस थ्रू द सेंट्रॉइड अगर यह कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो फिर हम यही नहीं बोल सकते न्यूट्रल एक्सेस हमेशा से पास होगा सो अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ दिसम्शन सेंट्रॉयड ऑफ द सेक्शन इफ मटीरियल इज होमोजीनस एंड देर इज नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन न्यूट्रल एक्सेस हमेशा सेंट्रॉइड से कब पास होता है जब मटीरियल होमोजीनस हो और जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ना हो रहा हो नाउ बेटा दिस इज आर बेसिक अजम्पन राइट दैट द मटीरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक एंड द स्ट्रेसेस आर विद इन प्रपोशनल लिमिट मीन देर इज नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन सो वी डोंट हैव टू वरी वेदर दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड और नॉट वो तो हमने पहले ही अज्यूम कर लिया कि भाई मटीरियल तो हमेशा होमोजीनियस रहेगा और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कभी होगा ही नहीं देर इज ऑलवेज इलास्टिक डिफॉर्मेशन सो बेटा न्यूट्रल बट okay? इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वाई न्यूट्रल एक्सेस ऑलवेज पासिस थ्रू सेंट्रॉयड बिकॉज मटीरियल इज होमोजीनियस एंड देर इज नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू यस चलिए तो अब मेरे भाई जितने भी कॉन्सेप्ट जरूरी थे ना डेरिवेशन से वो सारे कॉन्सेप्ट हमने देख लिए हैं वी हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट लेट्स डिराइव द इक्वेशन इसका आप लोगों को शायद बेसब्री से इंतजार होगा सो सो लेट्स डिराइव द द इक्वेशन बेटा फॉर डेरिवेशन आई एम गोइंग टू अज्यूम वी हैव अ स्ट्रेट बीम हमारे पास एक स्ट्रेट बीम है एंड इट इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग ठीक है स्ट्रेट बीम है जिसमें प्योर बेंडिंग हो रहा है ओके वॉट इज दिस

टुकड़ा कंसिडर कर रहा हूं okay? so, बेटा आफ्टर द बीम इज थिंकिंग किसी बच्चे ने कॉमेंट भी किया था वेदर वी हैगिंग टू डू विदेवेशन इवन इफ यूम दिट इट अभी मैंने सैगिंग कंसिडर करके मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ इवन इफ यूम हॉगिंग इट इज नॉट गोइंग टू चेंज द डेरिवेशन तो डेरिवेशन चेंज नहीं हो जाएगा नाउ अंडरस्टैंड बेटा लेट्स कंसिडर दिस हियर तो मेरे भाई आफ्टर डिफॉर्मेशन ए बी एंड सी डी विल बिकम समथिंग लाइक दिस दिस विल बिकम ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश बट दिस एन एन विल रिमेन सेम एन एन तो वही रहेगा ना बिकॉज इट इज न्यूट्रल तो एन एन तो वही रहेगा यस एन एन तो वही रहेगा हा कि ना अब मेरे भाई आपको एक

इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन आई विल कंसिडर एनी वन लेर में एक लेर कंसिडर करूंगा दिस लेयर ओके सॉरी कौन सा कलर आ गया कुछ दिख भी नहीं रहा लेटमी कंसिडर दिस लेर ओके लेटमी कॉल इट ई एफ मैं इसको ई एफ बोल देता हूं सो आफ्टर डिफॉर्मेशन इट विल बिकम ई डैश एफ डैश

स्ट्रेस ओके okay. पहले हम स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे फ्यू स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे ओके सो व्हाट विल बी द स्ट्रेन इन द लेयर ई एफ इसमें स्ट्रेन कितना आएगा मेरे भाई व्हाट विल बी द स्ट्रेन इन लेयर ई एफ एप्सिलॉन, नॉर्मल स्ट्रेन इन ई एफ लेट मी राइट इट नॉर्मल स्ट्रेन इन ई एफ

इसका एक सेंटर होगा इसका सेंटर कहां पे आएगा मैं आपको दिखा देता हूं दिस विल बी द सेंटर ये इसका सेंटर होगा दिस विल बी द सेंटर ओ ठीक है दिस विल बी द सेंटर ओ अब बेटा यहां पे ध्यान दीजिए इफ दिस इज द सेंटर ओ व्हाट विल बी दिस यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है इसको मैं क्या ले सकता हूं इसको मैं क्या ले सकता हूं न्यूट्रल एक्सेस से न्यूट्रल लेयर से ओ तक का डिस्टेंस कैन आई कॉल इट आर वेयर आर इज वॉट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ न्यूट्रल लेयर ठीक है ये न्यूट्रल लेयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है ओके सो दिस इज आर ओके नाउ लेट्स से लेट्स से लेट्स से वेरी स्मॉल एंगल थीटा मान लेते हैं कि एक बहुत छोटा एंगल थीटा है इसको मैं थीटाज्यूम कर रहा हूं वेरी स्मॉल एंगल थीटा सो इफ दिसरी स्मॉल एंगल थीटा देन बीटा वट विल बी दैल्यू ऑफ एन 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 की वैल्यू क्या हो जाएगी ये छोटा सा जो आर्क बन रहा है वट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एन एन

this is the equation of normal strain this also is very important formula okay remember this formula epsilon is equals to y by r where y is the distance from neutral axis so now you understand why the variation is linear epsilon is directly proportional to y right i can say that epsilon is directly proportional to y means linear distribution na

इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना ही नहीं है यू नीड टू जस्ट अप्लाई हुक्स हुक्स लॉ लॉ आपको तो बस Hooke's law लगा देना है सो व्हाट इज हुक्स लॉ सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सलॉन राइट कौन सा सिग्मा सिग्मा एक्स राइट इफ इट इज एप्सिलॉन एक्स दिस इज सिग्मा एक्स तो मेरे भाई यहां से आपको मिल जाएगा एप्सिलॉन एक्स कितना वाई बाय आर

एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम कोई भी एक जनरल क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं दिस इज न्यूट्रल एक्सेस मान लीजिए और ये क्या है मेरे भाई दिस इज द न्यूट्रल एक्सेस ओके नाउ अंडरस्टैंड व्हाट डू वी नीड टू फाइंड वी नीड टू फाइंड हाउ मच मोमेंट इज रजिस्टेड बाई दिस क्रॉस सेक्शन मुझे यह पता करना है कि यह पूरा क्रॉस सेक्शन मिलकर कितना मोमेंट रेजिस्ट कर रहा है ओके okay? तो अब मुझे अब मुझे बताइए मोमेंट क्या है मोमेंट क्या है मोमेंट विल बी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस राइट मोमेंट क्या है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस है नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द मोमेंट यू नीड टू फाइंड द फोर्स इंटरनल फोर्स आई एम सेइंग इंटरनल फोर्स आई एम सेइंग राइट सो अंडरस्टैंड

स्ट्रेस इज इक्व टू फोर्स अपॉन एरिया फोर्स इक्व टू स्ट्रेस इन टू एरिया इट विल बी एप्लीकेबल द इंटरनल फोर्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या यहां यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं ना यहां तो लिनियर डिस्ट्रीब्यूशन है यहां लिनियर डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहां पर दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल बेटा ये यह फॉर्मूला यहां नहीं लगेगा तो अब मेरे भाई क्या करें कैसे फोर्स निकाले मोमेंट चाहिए वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ मोमेंट तो कैसे मोमेंट निकाले बिना फोर्स के सो so, बेटा अंडरस्टैंड इन द एंटायर क्रॉस सेक्शन फोर्स इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सो आई कैन नॉट फाइंड फोर्स बाय स्ट्रेसिंग टू एरिया बट इफ आई कंसिडर वेरी स्मॉल एलिमेंट बहुत छोटा सा एक एलिमेंट लेते हैं ठीक है अब ये मत बोलना कि सर कहां इतना छोटा है? आपके हथेली जितना बड़ा ले लिए और बोल लो तो so, बेटा इट बट अज्यूम दैट इट इज वेरी स्मॉल ठीक है इसको बहुत छोटा सा ले लीजिए सो इफ आई एम कंसिडरिंग अ वेरी स्मॉल एरिया डी ए कैन आई अज्यूम दैट इन दिस एरिया इस एरिया में

न्यूट्रल एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है वाई डिस्टेंस पे है ठीक है नाउ अंडरस्टैंड इक्वेशन ऑफ मोमेंट डीएम विल बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस एंड कैन आई से फोर्स विल बी सिग्मा इनटू डीए यस मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस वाई ठीक है तो ये इक्वेशन क्लियर है सबको नाउ कैन आई से एम कंप्लीट मोमेंट दिस इज मोमेंट ऑफ दिस वेरी स्मॉल एरिया दिस इज मोमेंट ऑफ कंप्लीट एरिया क्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू वायू डी एस सिग्मा इंटू वायट दिस इक्वेशन फॉर कंप्लीट एरिया आई एम गोइंग टू गेट इक्वेशन ऑफ एम नाउ अंडरस्टैंड बेटा इन दिस इक्वेशन इज सिग्मा कॉन्स्टेंट क्या सिग्मा कॉन्स्टेंट है नहीं कॉन्स्टेंट है ना मेरे भाई इफ आई चेंज दिस इफ आई चेंज दिस देमा इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज राइट अगर मैं इस

इन दिस इक्वेशन ई एंड आर दे आर कॉन्स्टेंट ई इज मटेरियल प्रॉपर्टी राइट इज यंग्स मॉड्यूलस, मटेरियल प्रॉपर्टी एंड वी आर मटेरियल, मींस मटीरियल इज़ कॉन्स्टेंट आर विल आल्सो बी कॉन्स्टेंट आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ न्यूट्रल लेयर, सो बेटा, इवन इफ आई चेंज दिस एलिमेंट न्यूट्रल लेम ही रहेगा ना तो ई एंड आर बोथ आर कॉन्स्टेंट

एक बार मोमेंट लोगे एरिया का तो वो आएगा एरिया इंटू डिस्टेंस एंड इफ आई टेक मोमेंट अगेन इट विल बिकम एरिया इंटू डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस मींस एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर विच इज वॉट सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑल्सो नोन एस मोमेंट ऑफ इनर्शिया सो कैन आई से दैट दिस इज आई अबाउट विच एक्सेस किस एक्सेस से डिस्टेंस ले रहे हैं बेटा वाई जो है वो डिस्टेंस किस एक्सेस से ले रहे हैं न्यूट्रल एक्सेस से सो कैन आई से इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सेस यस आई कैन से सेफ एम बाई आई इज इक्वस टू ई बाय आर तो कैन आई कंप्लीट द इक्वेशन नाउ M बाई आई इज इक्वस टू सिग्मा बाई क्वेशन आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू एंड नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ इच एंड एवरी पैरामीटर वट इज एम वॉट इज आई वॉट इज सिमा वट इज वाई वॉट इज ई वॉट इज आर यस ये चीज क्लियर हो रही है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा सो दिस इज द बेंडिंग इक्वेशन दिस इज द डेरिवेशन

उसको पढ़ के अभी वक्त जाहिर करने से अच्छा अभी आप लोग इस पर फोकस कीजिए वेन यू विल क्रैक गेट वेन यू विल रीच समवेयर देन बेटा यू कैन फाइंड इज को बीम थ्योरी एंड ऑल दिस ओके चलिए मेरे भाई तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू एम बाई आई सिग्मा बाई वाई बाई आर राइट नाउ इन दिस इक्वेशन वट इज आवर ऑब्जेक्टिव आर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा राइट मेरा ऑब्जेक्टिव है सिग्मा कैलकुलेट करना ओके

आपको अलग अलग वाई की वैल्यू पे अलग अलग सिग्मा मिलेगा बट डू यू नीड डिफरेंट सिग्मा नो यू नीड सिग्मा मैक्सिमम सो देर विल बी टू मैक्सिमम सिग्मा होगा टेंशन का और एक कंप्रेशन का ना बेटा अंडरस्टैंड वेयर विल यू गेट सिग्मा मैक्सिमम इन टेंशन एंड कंप्रेशन सेम वेयर विल यू गेट देम डिफरेंट किसी केस में सेम आएगा किसी केस में डिफरेंट आएगा थैंक यू सो मच अंकित थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच बेटा बेंडिंग ओके तो बेटा अंडरस्टैंड लेट्स कंसिडर अगल सो इफ इट इज अरेक्टेंगल देन देंट्रॉइड विल बी एट द सेंटर राइट सेंट्रॉइड विल बी एट द सेंटर मीन डिस्टेंस फ्रॉम टॉप लेटम लेयर टू सेंट्रॉ एट विल बी सेम यहां से भी सेम डिस्टेंस रहेगा यहां से भी सेम डिस्टेंस रहेगा राइट सो इफ वाई ऑफ टॉप एंड बॉटम लेयर इज सेम देन सिग्मा मैक्सिमम एट टॉप एंड बॉटम विल बी सेम वन ऑफ देम विल बी इन टेंशन वन ऑफ देम विल बी इन कंप्रेशन लेट्स अज्यूम दैट टॉप वन इज टेंशन बॉटम वन इज कंप्रेशन ठीक है यह एक अजम्शन बस है कोई इस पे सवाल मत खड़ा कर देना कि सर ऐसे कैसे ले लिया सर ऐसा भी तो हो सकता है तो हो तो कुछ भी सकता है बट कोई एक चीज तो अज्यूम करनी ही पड़ेगी ना तो इसलिए मैंने अज्यूम कर लिया तो दिल पे मत ले लेना कोई अगर कोई प्लान करके बैठा था कि नहीं मैं तो नीचे टेंशन लूंगा तो वैसा कर लो ठीक है सो दिस इज सिग्मा मैक्सिमम इन टेंशन एंड दिस इज सिग्मा मैक्सिमम इन कंप्रेशन

कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन मिलने वाला है यू आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस सो दिस इज सिग्मा मैक्सिमम इन टेंशन एंड दिस इज सिग्मा मैक्सिमम इन कंप्रेशन एंड यू कैन क्लियरली सी दैट सिग्मा मैक्सिमम इन टेंशन एंड कंप्रेशन आर नॉट इक्वल तो बेटा अब आपको समझ में आया इन विच केस

टेंशन में भी हंड्रेड झेल सकता है कंप्रेशन में भी हंड्रेड झेल सकता है तो मुझे बस ये देखना है है कि जो भी मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा वो वो से कम होना चाहिए खत्म भले दोनों टेंशन और कंप्रेशन में वैल्यू सेम हो या डिफरेंट हो जो भी मैक्सिमम है वो 100 से कम होना चाहिए खत्म बट अगर मान लो ये सिचुएशन है और स्ट्रेंथ इन टेंशन एंड कंप्रेशन डिफरेंट है तो आपको चेक करना पड़ेगा ये लिमिट में है कि नहीं टेंशन में ये लिमिट में है कि नहीं कंप्रेशन में अलग अलग चेक करना पड़ेगा ठीक so, है सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन ठीक है ये चीज क्लियर है सो वेन वी आर गेटिंग इक्वल टेंशन एंड कंप्रेशन स्ट्रेस वेन वी आर गेटिंग डिफरेंट टेंशन एंड कंप्रेशन स्ट्रेस दैट इज अंडरस्टूड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेक्शन मॉड्युलरस एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर वेन इट कम्स टू डिजाइन ऑफ बीम्स जब मैं बीम्स के डिजाइन की बात करता हूं तो सेक्शन मॉड्यूलस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब इस टॉपिक का मतलब क्या है वट इज द मीनिंग ऑफ दिस पैरामीटर अंडरस्टैंड सेक्शन मॉड्यूलस इज अ पैरामीटर मीटर विच इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बीम हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर बीम दैट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन मॉड्यूल वी हैव स्टडीड पोलर सेक्शन मॉड्यूलस इन टॉर्शन याद होना चाहिए आपको पोलर सेक्शन मॉड्युलस हियर इट इज सेक्शन व्हाट इज सेक्शन मॉड्यूलस इट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बीम व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ बीम स्ट्रेंथ ऑफ बीम मींस मैक्सिमम एप्लीकेबल बेंडिंग मोमेंट मैं कितना बेंडिंग मोमेंट अपनी बीम पे झेल लगा सकता हूं कितना यह बेंडिंग मोमेंट झेल सकता है दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ बीम एंड इट इज नोन एज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये वाला वर्ड भी कभी कभी आ जाता है दिस वर्ड इज ऑल्सो समटाइम्स यूज सो बेटा अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मींस मैक्सिमम एप्लीकेबल बेंडिंग मोमेंट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है मैक्सिमम एप्लीकेबल बेंडिंग मोमेंट ओके सो हाउ मच बेंडिंग मोमेंट आई कैन अप्लाई ऑन माय बीम दैट इज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड द सेक्शन मॉड्यूल इज द मेजर ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ठीक है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है सेक्शन मॉड्यूल के ऊपर जितना ज्यादा सेक्शन मॉड्यूलस उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मींस दैट मच बेंडिंग मोमेंट आई कैन अप्लाई

सिग्मा मैक्सिमम विल बी सिग्मा मैक्सिमम इज व्हाट हाउ मच मैक्सिमम बेंडिंग मटेरियल पे डिपेंड करें इफ द मटेरियल इज स्टील एंड यील्ड स्ट्रेंथ इज टू हंड्रेड देन सिग्मा मैक्सिमम कैन गो अप टू 200 तो ये सिग्मा मैक्स तो उसके ऊपर फिक्स हो गया इसको आप छेड़ नहीं सकते ये मटेरियल पे फिक्स हो गया तो बेटा नाउ यू कैन चेंज आई एंड वाई मैक्स तो कैन आई से एम इज प्रपोर्शनल टू आई वाई मैक्स नाउ दिस आई बाय मैक्स इज सेक्शन मॉड्यूलस ये आई बाय वाई मैक्स जो है यही तो सेक्शन मॉड्यूलस है जो आपको बताता है कि आप कितना बेंडिंग मोमेंट अप्लाई कर सकते हो हाउ मच बेंडिंग मोमेंट यू कैन अप्लाई कितना बेंडिंग मोमेंट आप अप्लाई कर सकते हो दैट इज डिफाइंड बाय दिस सेक्शन मॉड्यूल Z I बाय वाई मैक्स सो आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज सेक्शन मॉड्यूल जितना ज्यादा ये वैल्यू होगी उतना ज्यादा Z उतना ज्यादा M उतना ज्यादा बेंडिंग मोमेंट मेरी बीम झेल सकती है सो लेट्स से वी हैव डिफरेंट बीम्स मान लीजिए मेरे पास अलग अलग क्रॉस सेक्शन की बीम्स हैं लेट्स से आई हैव अ सर्कुलर बीम

एरिया इज सेम तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिएगा ओके दिस इज अंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो बड़े ध्यान से देखिएगा सी एम जेड इज आई बाई वाई मैक्स क्या है आई बाय वाई मैक्स अब ये आई बाई वाई मैक्स में वाई मैक्स जो है वो इतना डिफरेंट नहीं होता वाई मैक्स इन दिस केस दिस केस दिस केस विल नॉट बी वेरी डिफरेंट द मेजर डिफरेंस इज इन आई स में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता जितना डिफरेंस जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई में होता है तो बेटा के हिसाब से अगर हम देखें इफ आई सी फ्रॉम द फ्रॉमैक्स पॉइंट ऑफ व्यू तो Ymax के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा बट आई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट होगा ओके ना वॉट इज आई आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया और एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर मीन इफ योर डिस्टेंस इज मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोर जितना ज्यादा एरिया का न्यूट्रल एक्सेस से डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मतलब मेरा एरिया जितना इस एक्सेस से दूर फैला होगा जितना इस से इफ द एरिया इज फार फ्रॉम दिस एक्सेस देन माय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गोइंग टू इंक्रीज तो इन तीनों केसेस में कौन सा एरिया इस एक्सेस से दूर तक फैला हुआ है तीनों एरिया बराबर है तीनों एरिया बराबर है आपको किस डायग्राम में दिख रहा है कि एरिया एक्सेस से दूर तक फैला हुआ है इन दिस केस ओनली आप देख सकते हो जो मेजर एरिया है the major area is far from this excess, right? और सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आना चाहिए किसका एरिया एक्सेस से सबसे प्लास में है? किसका सबसे पास में राइट मेजर एरिया आप देखोगे तो एक्सेस के पास में तो ऑब्वियसली फ्रॉम हियर यू कैन से दैट द एरिया हियर इज एट अ लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सेस मीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मोर मीन जेड विल बी मोर तो क्लियरली आई कैन राइट दिस ऑफ आई सेक्शन विल बी ग्रेटर देन देन ऑफ ऑफ रेक्टेंगल विल बी ग्रेटर सर्कल राइट फॉर द सेम एरिया एरिया सेम है तभी ये कंपेरिजन कर सकते हो एक अलग एरिया का सर्कल और एक अलग एरिया के आई सेक्शन को कंपेयर नहीं कर सकते तो एरिया सेम है अगर तो आप बोल सकते हो दैट Z of I section will be maximum and Z of circle will be minimum. Now, beta, this is the reason why I section is strongest and why we prefer I section in bending. Bending में I section क्यों prefer करते हैं क्योंकि I section strongest है उसका Z सबसे ज्यादा है मतलब उसमें M झेलने की ताकत सबसे ज्यादा होगी It will be the strongest, right? सो बेटा नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई डू वी यूज आई सेक्शन इन रेलवे ट्रैक्स रेलवे ट्रैक्स आर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग एंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ रेलवेस्ट होते हैं ठीक है चलिए इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू ओके ना बेटा यू नीड टू रिमेंबर द इक्वेशन ऑफ आई फॉर ईच टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल सर्कल हॉलो हॉलो सर्कल सर्कल विद नेग्लिजिबल थिकनेस ट्राइंगल आई सेक्शन इन सबके लिए आपको आई की इक्वेशन याद रखनी है टूमोर आई विल गिव यू द इक्वेशन ऑफ आई फॉर ऑल दीज बीम्स ठीक है अभी के लिए छोड़ देते हैं इसको कल मैं आपको बताऊंगा नाउ टूडे यू नीड टू वॉच दीज टू ऑल्सो फ्लेक्जनल रिजिडिटी और फ्लेक्ल स्टिफनेस तो मेरे भाई आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एक्सियल रिजिडिटी एंड एक्सियल स्टिफनेस टॉर्शनल रिजिडिटी एंड टॉर्शनल स्टिफनेस आप लोगों को शायद याद होगा

टॉर्शनल रिजिडिटी टॉर्शनल स्टिफनेस एल फ्लेक्ल रिजिडिटी फ्लैक् स्टिफनेस तो ये तीनों क्या है सेम चीज है रिजिडिटी और स्टिफनेस सेम है बट इन डिफरेंट लोडिंग कंडीशन वन इज इन लोड वन इज इन टॉर्शन एंड वन इज इन बेंडिंग आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन गुरप्रीत बेटा लाइव क्लासेज आर फ्रॉम सेवन थर्टी टू नाइन पी एम मंडे टू सैटरडे ओके चले तो आई होप एवरी वन इज क्लियर अबाउट दिस राइट अब मेरे भाई जितना भी थ्योरी और कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो हमने समझ लिया है नाउ न्यूमेरिकल्स वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो एंड लेट मी टेल यू आर वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑफ बेंडिंग बेंडिंग स्ट्रेस स्ट्रेस में अलग अलग टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच वन ऑफ दोज न्यूमेरिकल्स एवरी वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स ओके हम सारे वेराइटीज देखने वाले हैं ओके डोंट वरी वी आर गोइंग टू कवर एवरी वेराइटी ओके चले ना बेटा

एंड बेटा वंस यू यूज दिस कोड यू आर गोइंग टू गेट माई पर्सनल गाइडेंस एंड माई पर्सनल मेंटरशिप मेरी गाइडेंस में मेरी मेंटरशिप में पढ़ना है तो ये कोड यूज कर लीजिएगा और आ जाइए गाने के प्लस पे बिंदास आप कोई भी बैच में पढ़िए किसी भी एजुकेटर को फॉलो कीजिए मैं आपको गाइड करता रहूंगा ठीक है यू कैन ऑल्सो टेक आइकोनिक सब्सक्रिप्शन फॉर वन ईयर एंड टू ईयर वेयर यू गेट पर्सनल गाइडेंस अ पर्सनल गाइड अ पर्सनल मेंटर ठीक है जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबाइएगा शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को यस yes. मेरे भाई गुरप्रीत अब आप मुझसे ही पूछोगे कि मेरा सिलेबस जो है वो किस किस क्लास का है तो अब मैं क्या ही बताऊं बेटा इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड बेटा वॉच द फर्स्ट लेक्चर ना विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच गायस थैंक यू सो मच सैम विच एरियाज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सॉम बेटा एवरी एरिया ओके एवरी एरिया इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हैव नॉट सेट दैट दिस इज द एरिया फ्रॉम वेयर वी विल गेट मोर क्वेश्चन ओके ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं कहीं से भी कुछ भी आ सकता है सो यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक एंड बेटा आदित्य हैव ऑलरेडी सेट दैट इन द बिगिनिंग थोड़ा ना आप लोग शुरू की क्लास देखा कीजिए वो शुरू का पांच दस मिनट में सबसे ज्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन देता हूं गेट PYQs ऑफ टॉर्शन एंड एस एफ डी बी एमडी आई विल कवर लेटर ठीक है मैं बाद में करा दूंगा कल किसी वजह से नहीं हो पाया था बट मैं आपको करवा दूंगा ठीक है थैंक यू सो मच पंकज थैंक यू सो मच कोई बात नहीं गुरप्रीत आप फर्स्ट लेक्चर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स देख लीजिए वॉट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इट इज नोन एज इंट्रोडक्शन जस्ट लुक एट द प्लेलिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल द डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है तो उसमें क्लिक कीजिए फर्स्ट लेक्चर खोलिए उसमें मैंने सारी चीजें समझाई है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल में हम क्या पढ़ेंगे क्या सिलेबस है इसमें हम लोग क्या क्या कवर कर रहे हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगे ओके थैंक यू सो मच एनके थैंक यू सो मच सौरभ थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच आदित्य थैंक यू सो मच गुड नाइट एवरी वन गुड नाइट गुड नाइट ओके विकास आई विल अपडेट इट कौन सा लेक्चर नंबर फोर किसका लेक्चर नंबर फोर आप ये भी बता दीजिए कौन से चैप्टर का लेक्चर नंबर फोर ये भी बता दीजिए थैंक यू सो मच अवैश थैंक यू सो मच Good night, good night, good night. Good night, everyone. Good night. Take care of yourself. I will meet you guys tomorrow with a new lecture. Till then, bye bye. Take care and good night.